मेरे कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th NCERT, इसका वंडरफुल वेस्ट। ये टॉपिक फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो प्लीज़ देख लेना। और वंडरफुल वेस्ट, इसके नाम से ही स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा कि वेस्ट है, लेकिन उसका जो यूज़ ऐसे करना है कि वो वंडरफुल होना चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि वो जो किंग है वो आता है वो किचन में, उसके पैलेस किचन में, और वो देखता है कि जो फिस्ट है उसका अरेंज किया गया है, तो उसमें जो वेजिटेबल्स है उसके जो पील्स निकाले हैं, जो वेस्ट है वो एक बास्केट में वो कुक ने भर के रखे। तो जब वो किंग ने देखा तो उसने पूछा कि अब ये जो वेस्ट है उसका आप क्या करने वाले हो। तो उसने बोला कि उसका जो यूज़ है वेस्ट का वो अच्छे से करना। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि वो वेस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। तो वो जो कुक था उसने क्या किया, वो जो वेजिटेबल बिट्स थे उसे वॉश किया, उसे क्लीन किया अच्छे से। देन ही कट देम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसने उसके लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाए। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उसने एक बड़े बर्तन में वो डाल दिए। एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे फायर दिया मतलब चूल्हा जलाया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और फिर उसने क्या किया, हम जैसे पेस्ट बनाते हैं तो उसी तरह से उसने भी पेस्ट बनाई। तो फिर वो कौन कौन सी पेस्ट थी, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, ये टुगेदर किए थे उसने, और कोकोनट भी उसमें था। ही एडेड पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और वो कुक करने के लिए जो रख दिए थे लॉन्ग स्ट्रिप्स उसमें उसने क्या ऐड कर दिया, वो जो पेस्ट थी और साल्ट, तो वो वेजिटेबल जो वो कुक हो रहे थे। तो ये डालने के बाद क्या हो गया, जैसे हमारे घर में मम्मी खाना पकाती है तो हमें स्मेल से ही, हम अगर स्कूल में से आए तो पता चलता है कि आज मम्मी ने क्या बनाया है घर पे, तो मुंह में पानी आ जाता है स्मेल होने के बाद। अ टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उसी तरह से जो वो पॉट में जो कुक हो रहा था वेजिटेबल्स उसमें से टेम्प्टिंग स्मेल आ रहा था, मतलब वो जो सुगंध थी वो अच्छी खासी थी। नाउ ही व्हिप सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी, उसमें उसने क्या किया, उसमें कर्ड भी डाल दिया फिर से, मतलब दही डाल दिया, एंड एडेड इट टू करी, और वो करी में डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और उसे डेकोरेट करने के लिए फिर वो कुक ने क्या किया, स्पूनफुल कोकोनट ऑयल भी उसमें डाला और करी लीव से वो डेकोरेट की वो जो डिश थी वो। लो एंड बिहोल्ड, तो अब बन गया बढ़िया खाना। द न्यू डिश वॉज रेडी, तो नई डिश अब बन गई। कैसे बन गई, वेस्ट से अच्छी डिश बन गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, तो कुक ने क्या किया, जो नई डिश बनाई थी वो सर्व की सबको, परोसी उसी इवनिंग को जो गेस्ट आए थे उनको। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश, तो सबने खाई और सबको अब अच्छी लगी, तो फिर उसका नाम पता चलना चाहिए, तो वो सब ईगर हो गए वो जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट, वो जो कुक था वो सोचता रह गया। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तो उसके मन में एक नाम याद आ गया। ही नेम इट एवियल, UVUL, तो उसने उससे एवियल नाम दिया। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फिस्ट, और ये जो एवियल उसे नाम दिया वो कुक ने, वो फेमस हो गया और वो केरला में इतना फेमस है
कि अगर कुछ फंक्शन हो तो एवियल के बिना वो फंक्शन नहीं होता, वो केरला की ट्रेडिशनल फिश में होता है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और ये देखो कि बास्केट ऑफ वेस्ट से जो वेजिटेबल्स आए थे उससे ऐसी डिश बनी कि वो फेमस बन गई। तो स्टूडेंट्स, हमें इस लेसन से ये पता चलता है कि वेस्ट का अगर हम परफेक्ट यूज़ करें, अच्छी जगह और उसे यूज़ करें, तो हम उससे वंडरफुल रिजल्ट मिल सकता है। तो हमें इस पार्ट से यह सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत आभार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।